नगरी ने कहा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने का दौर जारी है। मालूम हो कि मध्यप्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के द्वारा इस्तीफा दिए जाने की शुरुआत की गई थी और उसके बाद उनके समर्थन में अनेक लोगों के द्वारा इस्तीफा दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा जिला भाजपा कार्यालय पहुंच करके अपने इस्तीफे दिए गए, साथ ही पार्टी पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंघई, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा तिवारी के साथ अनेक मंडल अध्यक्ष, पूर्व मीसाबंदी जनसंघी सहित अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी करीब एक दर्जन लोगों के द्वारा अपने इस्तीफे सौंप करके भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने इस्तीफा लेते हुए कहा कि पार्टी एक समुद्र है और ऐसे में इस तरह उपेक्षित के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। पार्टी की गाइडलाइन से जो नहीं चलेगा उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है। क्या कुछ कहा इन सभी पदाधिकारियों के द्वारा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। पुराने कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने भाजपा कार्यालय आए हुए हैं और इस्तीफा देने का मूल कारण ये है कि विगत काफ़ी समय से हम सभी लोग घोर उपेक्षा और अनदेखी के शिकार हैं तथा वर्तमान में सत्ता लोलुप लोगों को पार्टी में जगह दी जा रही है और हम सभी लोग जो निस्वार्थ रूप से पार्टी से जुड़े रहे हैं बरसों से, मैं तो 1984 से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और काम कर रहा हूँ, परंतु विगत दो वर्षों से देख रहा हूँ कि लगातार उपेक्षा हो रही है और ना हम लोगों को बुलाया जाता है, ना कोई कार्यक्रम की सूचना दी जाती है और ना कोई चर्चा पार्टी के संबंध में होती है। तो जिला भाजपा इस समय हम सभी की घोर उपेक्षा कर रही है, इस कारण दुखी होकर के हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कारण है कि आज मतलब एक एक करके सारे इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण? मैं बताया ना कारण के भाई, काफ़ी समय से घोर उपेक्षा हो रही है, अब चूंकि ऐसा लगने लगा है कि हम लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं बची है, इसलिए हम सभी लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। जी कितने लोग दे रहे हैं इस्तीफा? अब ये खड़े हैं हमारे साथ 8-10 लोग हैं अभी तो फिलहाल, 12 लोग हैं अभी। किस पद पर रहे आप लोग? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहा, उसके पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। वजह ये है कि वर्तमान में जो हमारे दमोह जिले का दमोह विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें जो भी जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म से जुड़े हुए थे, उपचुनाव से लेकर के अभी तक उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जा रही है। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति और रीति को लेकर के आगे बढ़ी थी उन सिद्धांतों को भूल चुकी है और पद के लोबन में आज तरह तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले आ रहे हैं और सीनियर पदाधिकारियों की घोर उपेक्षा की जा रही है, उनको बहुत उपेक्षित किया जा रहा है, ना जब से उपचुनाव हुआ है जब से कोई भी कार्यक्रम में उनको ना बुलाया जा रहा है। इससे हम सभी लोग आज हमारे वरिष्ठ जिले के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह जी, उनने भी इस्तीफा दिया, भाई श्यामा उरेती जी हैं जो कार्यालय मंत्री मंत्री के पद पर थी उनने भी इस्तीफा दिया, सुधा झारिया ने दिया, हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी उनने भी इस्तीफा दिया, प्रहलाद भोटियानी जो हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष थे उनने भी इस्तीफा दिया, तीन बार के हमारे परसु सोनी जो कि पार्षद रहे उनने भी इस्तीफा आज दिया है। आज हम लोगों ने ऋतु पांडे जी ने भी इस्तीफा दिया, मलखान सिंह जी ने इस्तीफा दिया, मनोज टंडन जी ने इस्तीफा दिया, ऐसे आज 10-12 लोगों ने इस्तीफा दिया हुआ है। सिद्धार्थ मलैया के समर्थन में? नहीं, सिद्धार्थ मलैया के समर्थन में नहीं, ये किसी के समर्थन में नहीं इस्तीफा दे रहे। हम लोगों की जो कुंठा है, हम लोगों की जो उपेक्षा की जा रही है उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है। नहीं, नगरी चुनाव को लेकर के अभी जो पार्टी ने नगरी चुनाव हो चाहे ग्रामीण अंचल के चुनाव हो चाहे सरपंची की हो चाहे जनपद की हो चाहे जिला जनपद की हो,
उस कार्यक्रम में ना सहभागिता ना हम लोगों की पूछ परख हो रही, तो इसलिए हम लोगों ने कुंठित होकर के अपने इस्तीफा दिए। कब तक उपेक्षा सही? कौन सी पार्टी? अब पार्टी तो अभी हम लोग कुछ नहीं दिशा निर्देश कर पा रहे हैं, आगे चल के हम लोग अपना खुद एक स्तंभ खड़ा करेंगे और अपना एक दल का गठन करके आगे बढ़ेंगे। मैं अपने आप को बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जन्म से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा स्तंभ कार्यकर्ता रहा हूं कि बहुत मेहनत करके आज प्रदेश में और देश में सरकारें बनवाई, परंतु विगत लोकसभा चुनाव से सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। मैं अगर ज़्यादा न बोलूं तो हमारे सांसद जी महोदय जी को वार्ड के कार्यकर्ताओं के नाम भी नहीं मालूम कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कौन हैं। ऐसी उपेक्षा इसके पूर्व कभी नहीं हुई है। वो अभी मतलब वो बात वही है कि इतने लगातार काम करने के बाद पार्टी द्वारा इतना उपेक्षित होना, जो शायद हम लोग 1.5 साल से देख रहे थे, चुनाव के बाद से लगातार किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाना, 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी नहीं सूचना देना, ये शायद हम लोगों को मन में कहीं ना कहीं बहुत दुखी कर रहा था। और पार्टी में काम करने के बाद हम लोग इतनी आदत पड़ चुकी थी और पार्टी के लिए हम लोग सब समर्पित थे, आप लोग शायद सब लोग जानते भी हैं इस चीज़ को। तो इस महिलाएं, जितनी महिलाओं को करना था, किसी में कोई वो नहीं है, जिसको मतलब मन से जिनको देना था इस्तीफा, तो वो अपना अपना इस्तीफा लेके आए। जयंत मलैया अभी भी पार्टी में और आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? तो वो पार्टी में है, हमारा हम लोग का किसी व्यक्ति विशेष के ठीक है। हाँ, तो उपेक्षा तो हमारी हुई ना, तो मन जब दुखी हो जाता है जब इतनी वो हो, तो इससे किसी तरह का कोई वो नहीं है इसमें। कि कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं के इस्तीफे आज यहाँ पर आए हुए हैं, चूँकि माननीय जिलाध्यक्ष जी एक बैठक में व्यस्त हैं, तो उन्होंने मुझे दायित्व दिया था कि आप जो भी कार्यकर्ता हों, उनकी जो भी समस्या हो या जो भी वो करना चाहते हों, तो उनसे व्यवस्थित जाके मिलें। तो उनसे मिला तो पता चला उन्हें इस्तीफा देना था, तो उनसे लिया गया। लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या भैया मत देखा? पार्टी की गाइडलाइन से बाहर होकर के जो भी काम करेगा उसको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पार्टी सर्वोपरि है। इसके अलावा पार्टी की विचारधारा से हटके जो भी काम करेगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आपने निकाला है कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं? उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व सिद्धार्थ मलैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और चूंकि जो पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं चलता, राष्ट्रवाद चलता है, और अगर किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के सभी लोग इस्तीफा देना चाहते हैं तो स्वागत है। अभी तक कितने लोग इस्तीफा दे चुके हैं? अभी आज 10 लोगों के मिले हैं। कौन कौन पदाधिकारी रहे हैं? अखिलेश हजारी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष राजन संघे जी, और भी कुछ लोग थे।